जी जोशी जैसा हो। आईपीएल मैच कराने के लिए कुछ नए कुछ मापदंड होते हैं। जब तक हमारे उदयपुर में उस मापदंड का स्टेडियम नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ आईपीएल नहीं करा सकते। हम जब पिछली बार आरसीए के चेयरमैन थे तब हमने राजस्थान सरकार से खेल गांव में 4 करोड़ रुपए लेकर जमीन अलॉट करवाई थी। हमारी सरकार बदल गई, हम खुद आरसीए के अध्यक्ष नहीं रहे और वो जो जमीन थी वो आरसीए के पास नहीं होकर सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। हम अभी मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया था कि उदयपुर में और जयपुर में हमने जो आरसीए के पैसे दिए 4 करोड़ और 6 करोड़ रुपए, वो ज़मीन पुनः हमें आवंटित की जाए। फिर हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे, यहाँ के राजनेताओं से चर्चा करेंगे, उदयपुर में एक अच्छा स्टेडियम बने जिससे आने वाले समय में आईपीएल यहाँ पर आयोजित हो सके। लेकिन जब तक यहाँ अपना स्टेडियम नहीं बनेगा तब तक हम आईपीएल के मैच यहाँ आयोजित नहीं कर सकेंगे। हमारी भी इच्छा है कि उदयपुर वो जगह है जहाँ पर क्रिकेट के बहुत से अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, तो यहाँ पर आईपीएल होनी चाहिए।